राइट फ्रेंड्स, जैसा कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नाम ही है, परिवर्तन, बदलाव। हालांकि बदलाव सतत है, बदलाव हर हाल में होना ही चाहिए, होता ही है, प्रकृति का नियम है, बट फिर भी हम सब बदलाव से डरते हैं। बचपन से अगर एक नौकरी पे लग गए हैं तो बस वही नौकरी में जो प्रमोशन हो जाए हो जाए, अगर कोई एक दुकान खोल लिए तो चलो उस दुकान में बस जो बढ़ोतरी होती जाए होती जाए। हम कुछ और इनकम अपॉर्चुनिटी कोई और हम आसानी से अपना माइंड ओपन नहीं कर पाते, पर सच तो यही है अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम अपनी दुनिया बदल पाएंगे। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन का नाम परिवर्तन इसीलिए है क्योंकि ये लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला चुका है। पर फिर भी मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप कुछ बदलाव चाहते हैं? क्या आपके कोई सपने हैं? क्या आप जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, अपनी पसंद की सपनों की कोई कार खरीदना चाहते हैं, बहुत सारा मान सम्मान की जब शीशे के सामने खड़े हों तो खुद पे नाज हो, खुद पे गर्व हो, क्या ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? अगर जीना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बिजनेस आप ही के लिए बना है। राइट फ्रेंड्स, जब हम सपनों की बात करते हैं तो सबसे पहले बदलाव आसान नहीं होता। तो जब बदलाव आसान नहीं होता तो हमें धक्का कौन देगा, कौन हमें पुश करेगा? वो जो फोर्स है वो अंदर से आनी चाहिए और उसका नाम है ड्रीम्स, सपने। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके सपने हैं? क्या पैसा कमाना चाहते हो? क्या वो टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई भी पसंद की चीज पैसे के कारण छोड़नी नहीं पड़े ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो? देश विदेश घूमना चाहते हो? बहुत सारा मान सम्मान चाहते हो? वो वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हो? फैंसी कोई कार है जो आपके माइंड में है कि हाँ आपको एक कार खरीदनी है? वो कोई बड़ा सा घर है जो आपने सोचा है कि आपका आपके पास होना चाहिए? मतलब खाली उम्मीद नहीं हो, कि खाली होप नहीं हो, होप से फ्रीडम की तरफ क्या जाना चाहते हो? क्या वो सफर तय करने को, वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तय करने को तैयार हो? क्योंकि अगर आप तैयार हो तो सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। अगर आपने सोच रखा है ऐसा कोई भी चीज की आपकी जिंदगी में होनी चाहिए तो सब कुछ होता जाएगा, पर वो बेस आप ही को क्वालिफाई करना है कि हाँ मेरे सपने हैं और मैं सपने पूरे करना चाहता हूँ। और दोस्तों, बात खाली सपनों की नहीं है, एक जरूरत भी तो है। एक जरूरत है जिसको कहते हैं महंगाई, लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए, 1980 में 1000 रुपए में घर का खर्चा चल जाता था, 2000 में 10000 में चलने लगा, 2022 में 1,00,000 रुपए में चलने लगा। आप देख रहे हैं हर 10 साल में एक जीरो बढ़ जा रहा है, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जा रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो 2040 में 10,00,000 रुपए महीना चाहिएगा। हम में से कितने लोग 10,00,000 रुपए महीना कमाने की, मतलब 2040 तक कमा लेंगे? इट्स नॉट ईजी भैया। जब ये होना ही है तो फिर 10,00,000 रुपया कमाने का इंतजाम भी आज करना होगा। तब अचानक से अपनी लाइफस्टाइल गिराना, जो सोचा था वो बस अरे भगवान ने ये क्या कर दिया, या अल्लाह ने ये क्या कर दिया, या सरकार ने ये क्या कर दिया, किस्मत को कोसने से काम नहीं चलेगा। हमें जो पैसा चाहिए बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए भी चाहिए ना, सपने तो बात अलग है, वो भी इतना है। तो आओ चलो, अतिरिक्त आमदनी को ना नहीं कहते। हम आपसे नहीं कह रहे आप अपना बिजनेस छोड़ो, आप अपनी जॉब छोड़ो, जो कर रहे हो वो करो, बच्चे संभालो, घर संभालो, जो भी कर रहे हो करो, साइड बाय साइड अतिरिक्त आमदनी ऐसी कमाओ कि ये 10,00,000 रुपए महीने का खर्चा जब आपको करने का भारी आए तब वो आपको भारी नहीं पड़े। पर आइए चलते हैं, समझते हैं कि अभी कैसे इनकम करते हैं और हम किस इनकम की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अभी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इनकम है वो 40 साल का एक्टिव इनकम प्लान होता है। आप बड़े होते हैं, 20-21-22 साल के होते हैं, नौकरी पे लगते हैं या कोई दुकान खोलते हैं, 60-65 साल के होते हैं तब तक काम करते हैं, नौकरी में होते हैं तो रिटायर हो जाते हैं, बिजनेस में होते हैं तो जैसे जैसे आपका शरीर शीतल होने लगता है पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बच्चों को दे देते हैं और घर बैठ जाते हैं, यही है। फिर छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं। जब तक काम करते हैं पैसा आता है, काम करना बंद कर देते हैं पैसा आना बंद हो जाता है। हम एक्टिव इनकम पर काम करा करते हैं ट्रेडिशनली। जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं उसमें 2-5 साल का एक्टिव इनकम प्लान है, यानी 2-5 साल काम करना होता है, उसके बाद आप पैसिव इनकम प्लान पर आ जाते हो। हालांकि जब आप शुरू करते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे भी साल लगा था इस बिजनेस में सेट होने में, तो शुरू में ऐसा लगता है एफर्ट्स कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, एफर्ट्स के हिसाब से इनकम नहीं हो रही है, पर बहुत जल्दी किसी का साल भर में, किसी का 2 साल में सेट हो जाता है बिजनेस। और उसके बाद अगर आप जैसे जैसे अपने एक्शन बढ़ाते जाते हो, प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा इनकम बढ़ती जाती है, और फिर किसी भी कारण से अगर आप काम करना बंद भी करते हो तो आपकी इनकम कम नहीं होती है। जैसे कि सिंगर हैं, ऑथर्स हैं, ये लोग कमाते हैं ना रॉयल्टी, ऐसी रॉयल्टी जो है वो आप बिजनेस में कमा पाते हो, कि काम करोगे तो भी कमाओगे, काम नहीं भी करोगे, आज 2 महीने के लिए स्विट्जरलैंड चले गए छोड़ करके तो पीछे से कुछ नुकसान नहीं होगा, आपकी इनकम एज इट इज आती रहेगी, ऐसा ये प्लान है। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? क्या आप भी जैसे कि कनॉट प्लेस में बड़े बड़ी दुकानें खोल ली हो और फिर भूल जाओ, फिर बस हर महीने किराया आता जाएगा, कर सकते हैं ना? पर अभी कनॉट प्लेस पे दुकानें लेने के लिए करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है। अगर वो नहीं है या वो नहीं लगाना चाहते,
दिल लगाना चाहते हो तो दिल लगा करके रॉयल्टी इनकम कमाना चाहते हो तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सचमुच बहुत ओपन हार्ट के साथ समझिए दोस्तों। समझते हैं हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, पर इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहूंगी। उससे पहले आपको ट्रेडिशनल इनकम कैसे होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है, उसके बारे में बताना चाहूंगी। हम सब बहुत सारे प्रोडक्ट काम में लेते हैं। सुबह उठते हैं, हमको चाय की पत्ती चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, कॉफी चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, मसाले चाहिए। कहाँ से लाते हैं? दुकान से। हम अपने पड़ोस की दुकान से, रिटेलर के यहाँ से लाते हैं। रिटेलर खुद तो बनाता नहीं है, वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ एजेंट से लाता है, सीएनएफ एजेंट इसको मैन्युफैक्चरर से लाता है। यानी हमारे और निर्माता के बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, मिडलमैन होते हैं, और ये सब लोग फ्री में तो काम नहीं करते। इन सबका अपना मार्जिन होता है और एक बहुत बड़ा खर्चा इसमें शामिल होता है जिसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। यही कारण होता है कि जो सामान 3500 रुपए का बनता है ना, वो हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, इसमें हम कंज्यूमर होते हैं, हमारी जेब से पैसा जाता है, बाकी सब बिजनेस पीपल होते हैं उनकी जेब में पैसा जाता है। ये तो हमें तरीका आता ही है। अब जिस डायरेक्ट सेलिंग की बात हम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी हम कंज्यूमर होते हैं और एक निर्माता होता है या मार्केटिंग कंपनी होती है। बीच के सारे मिडिलमैन और मीडिया को हटा दिया जाता है और वो जो अरबों खरबों रुपया बचता है ना बीच का, वो चॉइस आपको दी जाती है कि भैया क्या आप ये पैसा कमाना चाहते हो। और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो उसको सीखने को तैयार हैं, जो बेसिक आपको करने के लिए कहा जा रहा है वो करने के लिए तैयार हैं, वो जिनका ट्रस्ट लेवल है, मतलब दुनिया में 5000 रुपया भी लगाया नहीं और मैं डरती थी कि अरे भैया करोड़ों का जैसे घाटा हो जाएगा। बिजनेस के नाम पे हमारे दिमाग में घाटा चलता है। ये हमें सिखाते हैं कि नहीं, एंटरप्रेन्योर बनो, बिना घाटे का सोचे एंटरप्रेन्योर बनो, क्योंकि घाटा होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो ये जो करोड़ों अरबों रुपया बीच का बचाया जाता है, वो पैसा हम नेटवर्कर कमाते हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहली बात तो कि भैया यहाँ कोई ऑफिस नहीं खोलना है, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, कोई दुकान नहीं लगानी है, तो लाखों करोड़ों रुपए का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। 8-10 हजार रुपए से ज्यादा आपका किसी भी हाल में जिंदगी, मेरे मैं आज की तारीख में 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाने तक आ गई, मैंने शायद इस बिजनेस में 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं लगाया। दैट्स द बेनिफिट ऑफ दिस बिजनेस कि भैया आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो छोटा मोटा जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो मतलब अगर हम 2 बार रेस्टोरेंट नहीं जाए ना, तो उतने पैसे में बिजनेस शुरू हो जाता है, समझ लो आप। तो बहुत लो इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। जब रिस्क ही नहीं है तो वो डरने वाली बात ही नहीं है कि अगर है ना घाटा हो गया तो का डर ही नहीं है। वो बहाना ही नहीं है जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बहाना होता है। कोई प्रिमाइस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मैन पावर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। मैं इतना कमाती हूँ, मैं अपने बेडरूम में बैठ करके आप लोगों के सामने मीटिंग कर रही हूँ। यही मेरा ऑफिस है, ये छोटी सी टेबल है, यही मेरी वर्किंग स्पेस है। सो अमेजिंग फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बिजनेस जाता है। मैं देखो अगर आपको बताऊं, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने इस बिजनेस को किया। मेरे फादर इन लॉ जिंदल पॉलिस्टर में काम करते थे, उन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया। उनको 1 महीने के नोटिस पर रिटायर कर दिया गया था। उनके कंपनी में रिटायरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी, 1 महीने के नोटिस पर रिटायर कर दिया गया। कोई बात नहीं, ये बिजनेस था, यहाँ से उस समय उनकी 70-80 हजार रुपए महीना इनकम आ रही थी, वो इनकम बंद हुई। 118 एनी कंपनी से मिली भी थी, वो 118 एनी कंपनी लेकर के चली गई, कोई बात नहीं। उनके पास अपनी ओमनी खरीदी भी थी, फिर उन्होंने एक मुझे गाड़ियों की ब्रांड नहीं याद रहती, एक बहुत अच्छी कार उन्होंने खरीद ली थी, बस उसमें काम चल गया उनका। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर जो मेरी मदर इन लॉ है, उनको जिंदगी भर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया इस परमानेंट इनकम पर कुछ साल इन्होंने काम किया था। फिर उन्होंने काम किया, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ काम किया, मेरा बेटा और बहू वो दोनों भी फुल टाइम इस बिजनेस में लग गए। बेटा MBA है, बहू लंदन से फैशन पढ़ करके आई है, फिर MBA किया है। सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब समझदार लोग हैं। सबने देखा है कि हाँ भैया हींग लगे ना फिट करी और रंग चोखा ही चोखा हो तो क्यों नहीं करने का। तो 3 जनरेशन तो मैं अपने घर में देख रही हूँ। और बिजनेस ऐसा है, अगर मान लो 1 जनरेशन करे और अगली जनरेशन को नहीं भी करना, कोई बात नहीं, आप नहीं भी करना चाहते, जो परमानेंट इनकम है वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती चली जाएगी। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ये बिजनेस ट्रांसफर होता है, टाइम फ्रीडम है। अब जब आपको नहीं करे बिना भी पैसा आता है, एक बार आप बिजनेस बिल्ड कर देते हो उसके बाद नहीं करे बिना भी पैसा आता है, तो भैया 2 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, 3 महीने के लिए USA जाना है, या कहीं भी घूमना है, या ठीक है बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के 10th का एग्जाम है, एक ब्रेक लेना है, साल भर का ब्रेक ले सकते हो। ये ऐसा प्यारा सा बिजनेस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर नहीं है। मुझे कुछ नहीं आता था, हालांकि मैं PhD हूँ, डॉक्टर सुरेखा भार्गव कहलाती हूँ, पर बिजनेस का तो बीवी नहीं आता था, हमारे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया था। प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, हम आपको सिखाते जाएंगे और जैसे जैसे आप एक्शन करोगे ना, एक्शन से सबसे ज्यादा आप सीखते चले जाओगे। और अगर आप घबराओगे नहीं, घबरा जाते हैं लोग, ये मैं मानती हूँ कि भैया अरे कुछ नया सीखना है,
अरे क्यों सीख, क्यों डरते हो? कोई है जो आपको बाहर खड़े होकर के कैप्टन की तरह नहीं कह रहा ऐसे करो ऐसे करो, आपके साथ फील्ड पे खड़ा होकर के खेलने को तैयार है? तो फिर तो खेलना उतरना बनता है, खास करके तब जब बात सपनों की हो, बात अपने बच्चों के अगली पीढ़ियों के सपनों की हो, तो दोस्तों करना डेफिनेटली बनता है। पैसिव इनकम मिलती है जैसा मैंने आपको बताया, और पार्ट टाइम बिजनेस है। हम आपको आपकी जॉब छोड़ने को नहीं कहेंगे, बिजनेस छोड़ने को नहीं कहेंगे। जो कर रहे हो वो करते करते साइड बाय साइड आप इस बिजनेस को कर सकते हो और आप पैसा कमा सकते हो। तो खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ। डेफिनेटली बिजनेस समझना बनता है। दोस्तों बात हम कर रहे हैं मोदी केयर की। मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसको की मार्च 1996 में समीर मोदी जी ने हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी ताकत को काम में लेने के इरादे से बनाया था। देखिए बिजनेस चलता है रिसोर्सेस पे। अगर आज प्लास्टिक की बोतल की कंपनी है तो वो उसका रॉ मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। रिसोर्स क्या है? प्लास्टिक। मोदी साहब ने इस बात को समझा कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हिंदुस्तान में जो वेस्ट हो रहा है, जिसको कहते हैं सपने। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हिंदुस्तानियों के सपनों को ही उनकी ताकत बनाया जाए और फिर उन्हीं उसी ताकत से उन्हीं सपनों को पूरा किया जाए। घर घर आजादी पहुंचाने के इरादे से समीर मोदी जी ने मार्च 1996 में दोस्तों ये बिजनेस स्टार्ट किया था। और खुशी की बात यही है कि तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। 27 साल जो है वो हो चुके हैं। अभी हमने अपनी 27th बर्थडे 30th मार्च को मनाई है। 1996 में थे। के मोदी ग्रुप बहुत बड़ा मोदी एंटरप्राइज है, $1 बिलियन है ना, मोदी एंटरप्राइज है, उसका हम पार्ट है, उसकी हम एक कंपनी है। बहुत तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड हम हो चुके हैं। बहुत रिवॉर्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड अवार्ड से हमें नवाजा गया है। हम इंडियन डायरेक्ट सेलर एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर हैं। जैसे कि बैंकों को RBI देखता है, इंश्योरेंस को IRDA देखता है, ऐसे ही इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को IDSA जो है वो देखता है। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन का ध्यान जो है वो IDSA रखता है और हम उसके फाउंडर मेंबर है। आपके लिए इतना ही सिर्फ समझना जरूरी है कि अपॉर्चुनिटी सेफ है, वो बहुत जरूरी होता है। आज आप पीढ़ी दर पीढ़ी जब बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो फिर एक सेफ कंपनी का होना बहुत जरूरी है और वो IDSA उसके लिए IDSA का मेंबर होना जरूरी होता है। तो कंपनी सेफ है, जो भी मेहनत करोगे उसका फल पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आप कमा सकोगे। दोस्तों इट्स रियली अमेजिंग। समझना यही है कि हम करते क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है। हम राय बहादुर गुजरमल मोदी जी की मैं अगर बात करूं तो इनको 1968 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1933 में बिजनेस शुरू किया था। 27 अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्होंने अपने है ना बड़े बड़े बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए। बहुत फाइनेंशियल बहुत बड़ा योगदान रहा और इसीलिए इनको इतना बड़ा ये नाम दिया गया। उनके बेटे KK मोदी जी बहुत बड़े विजनरी निकले। उन्होंने 2.8 बिलियन ग्लोबल रेवेन्यू तक अपने इस बिजनेस को पहुंचाया। उनकी वाइफ श्री बीना मोदी जी बहुत बड़ी विजनरी रही, बहुत डेडिकेटेड रही। अपनी कहते हैं ना जो विरासत खड़ी करी राय बहादुर गुजरमल मोदी जी और KK मोदी जी ने, बीना मोदी जी ने उसको बहुत ग्रेसफुली आगे निभाया। और KK मोदी जी और बीना मोदी जी के बेटे श्री समीर मोदी जी जब बड़े हुए तो दोस्तों कहते हैं ना जब इंसान खुद तृप्त होता है तो वो दूसरों के बारे में सोचता है। ये सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। सब कुछ इनके पास था। इनके पास दो चॉइस थी, या तो बस ये कि लाडले बिगड़े बेटे बन सकते थे या दूसरा अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढ करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इन्होंने मकसद ढूंढा, घर घर आजादी पहुंचाने का इरादा बनाया, मोदी केयर लॉन्च किया, मोदी केयर के फाउंडिंग डायरेक्टर बने, कलर बार लॉन्च किया, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े बड़े है ना बिजनेस उनको हेड कर रहे हैं और बस एक ही दीवानगी इन पे चढ़ी हुई है, बिल्कुल खुश नहीं है। मैं आपको बता दूं आज की तारीख में मोदी केयर में लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं पर उससे बिल्कुल खुश नहीं है। कहते हैं कि जब जनसंख्या 140 करोड़ हो तो लाखों लोगों के घर आजादी पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। और उनके इसी पैशन को सलाम करते हुए हम सब लगे हुए हैं, उनकी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं, घर घर आजादी पहुंचाने के सपने को उनके पूरा करने का जिम्मा आज लाखों लोगों ने उठा रखा है। दोस्तों मोदी केयर की सक्सेस की अगर बात करूं तो 1800 करोड़ की सेल अभी हमने रजिस्टर करी है। 53 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर हमारे पास है। लगभग 10,000 न्यू ज्वाइनी हर दिन हमें ज्वाइन करते हैं। तो अगर आज आपको हम कह रहे हैं आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए तो आप अलग अकेले नहीं है, अनोखे नहीं है। 10,000 लोग हैं जो ये काम हर दिन करते हैं, सक्सेसफुली करते हैं और उन 10,000 लोगों को हैंड होल्डिंग करने का जिम्मा हम लोगों ने उठा रखा है जिससे वो भी अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ सकें। 5,000 से ज्यादा टाउन्स में हमारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होती है। 5 लाख स्क्वायर फीट वेयर हाउस हमारे ऑफिसेज हैं। 17,000 से ज्यादा पिन कोड पे सर्विस होती है। 14,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। अभी ये नंबर आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको सिर्फ इतना समझना है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर सपोर्ट किया जा रहा है, हैंड होल्ड किया जा रहा है, हर
फिक्स डेट पर उनके चेक पहुंचाए जा रहे हैं, इतने लोगों को इतने 600 से ज्यादा प्रोडक्ट पहुंचाए जा रहे हैं, तो भैया स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा प्रॉपर बनाया हुआ है, आपको उस सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी जो आपकी ये फिल्म है ना, इस फिल्म का प्रोड्यूसर कोई और है, पैसा कोई और लगा रहा है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको अपनी किस्मत की स्टोरी लिखनी है, वो काम डेफिनेटली आपको करना है और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 14 कैटेगरी है, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस है, कलर कॉस्मेटिक है, स्किन केयर है, फूड एंड बेवरेजेस है, पर्सनल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर है, ज्वेलरी है, लाइफस्टाइल है, घड़ियां हैं, हर वो चीज जो चाहिए होती है ना वो आ जाती है। अगरबत्ती चाहिए थी आ गई, मास्क चाहिए थे आ गए, सैनिटाइजर चाहिए थे आ गए, हर वो चीज जो मोदी साहब का सपना है वो ये कि पिन से लेकर के कार तक एक छत के नीचे मिले, इस इरादे के साथ काम हो रहा है और ये तो बढ़ते ही जाएंगे। हमें ये देखना है कि हम कितनी जल्दी इस बहती हुई गंगा में हम भी शामिल हो सकें, जिससे हम भी सफलता की पाइपलाइन जो है वो अपने घर तक डाल सकें। इट्स अमेजिंग फ्रेंड्स, हम सब इन्हें अपना गॉड फादर मानते हैं, क्योंकि जो जहां हमारी सोच खत्म होती है ना वहां से इनकी सोच शुरू होती है, और बस ये एक ही मकसद इनका रहता है, कैसे हम लोगों की जेब में और पैसा और पैसा और पैसा पहुंचाएं। और इसी इरादे के साथ आजादी प्लान 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है। क्या है आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो इंडस्ट्री का बेस्ट पे आउट प्लान है, 72% का पे आउट प्लान है। इट्स अमेजिंग इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने बताया आपको अपॉर्चुनिटी में, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू डुप्लीकेट है, इंटरनेशनल क्वालिटी के हमारे प्रोडक्ट हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आज आप इस मीटिंग में आ रहे हैं, आपको ड्रीम समझ में आता है, आपको आपके सपने समझ में आते हैं, आप अपने सपनों के लिए ड्रीम व्हीकल देख रहे हैं, आपको हमारा ड्रीम व्हीकल समझ में आ पाता है, आसान नहीं है पहली बार समझ में आना, पर एटलीस्ट एक विजन क्लियर होता है आपका, आप हमारे साथ एज एंटरप्रेन्योर जुड़ सकते हैं, नहीं भी आप हमारे साथ एज कस्टमर जुड़ सकते हैं। आप मोदी केयर के इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट जिन पे सेटिस्फेक्शन गारंटी, आप देखिए आप कोई भी चीज मार्केट से लेकर के एक बार पैसा पकड़ा के बाहर उतरते हो, वापस अंदर जाते हो और कहते हो मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो कोई वापस नहीं लेता है। खुला हुआ प्रोडक्ट तो हरगिज कोई वापस नहीं लेता। हमारे यहाँ 25% तक यूज किया हुआ प्रोडक्ट विद इन 30 डेज आपको पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं, वापस ले लिया जाता है, क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोवाइड करते हैं। हर प्रोडक्ट पर समीर जी के खुद के सिग्नेचर हैं। तो आपको जिंदगी में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट पसंद है, आपको जिंदगी में अपग्रेड करना है अपनी लाइफ स्टाइल को, तो डेफिनेटली आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत पसंद आने वाले हैं। तो एक तरफ आप प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं हमारे, दूसरी तरफ आप इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करके अपनी दुकान बदल करके लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। आइए आपको हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में कई एक लोगों से मिलाएंगे जिन लोगों ने सक्सेसफुली इस काम को किया है, कैसे किया है आपको ये इस प्रेजेंटेशन में सीखने को मिलेगा। आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक होता है मैं आपको सपने दिखा रही हूँ कि आप ये पा सकते हो वो पा सकते हो, दूसरे होता है मैं आपको एक कॉन्क्रीट प्लान देना चाहती हूँ कि आप ये सब कैसे कर सकते हो। तो कॉन्क्रीट प्लान हम आपको लास्ट में देंगे कि हाँ अब आपको क्या करना है। देखिए मैंने फिर कहा प्रोड्यूसर कोई और है, पैसा नहीं लगाना, और डायरेक्टर तो आप हैं, तो एज डायरेक्टर आपको क्या करना होगा ये हम आपको एंड में बताएंगे। तो आखिर तक इस प्रेजेंटेशन में बने रहिएगा। इनकम की अगर बात करें, 12 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 12 तरीके की लाइफ लॉन्ग इनकम है। आइए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले तो है सेविंग, जैसा कि मैंने कहा कि भाई आप कंज्यूमर बन सकते हैं, स्मार्ट कंज्यूमर बन सकते हैं, 30% तक की तो सेविंग ही हो जाती है जब आप है ना प्रोडक्ट परचेस करते हैं। कैसे, आपको जब आप इस बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप अपना आधार कार्ड देते हैं, आप अपना पैन कार्ड की डिटेल देते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी और आपसे फोन नंबर दो मांगे जाते हैं। आप जब वो प्रोवाइड करते हैं तो जिस किसी ने आपको इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में इन्वाइट किया है आप उन्हें अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो आपकी ज्वाइनिंग लगा देते हैं। आपका एक कोड नंबर आ जाता है जिसको हमारे यहाँ एमसीए नंबर कहते हैं। आप जब उस एमसीए नंबर पर प्रोडक्ट परचेस करते हो तो कंपनी आपको एमआरपी पर प्रोडक्ट नहीं देती है, वो प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस पर मिलता है, और वो जो मार्जिन होता है, मतलब अगर 120 रुपए की चीज है तो आपको लगभग 100 रुपए में मिल जाएगी, वो आपका रिटेल प्रॉफिट हो जाता है। और खाली ये 20-30% का रिटेल प्रॉफिट ही नहीं है जो आपका होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, उन प्रोग्राम्स के चलने के कारण वो प्रोडक्ट जो एमआरपी अगर किसी प्रोडक्ट की 120 रुपए है तो आपको पड़ती तो लगभग 60-65 रुपए में ही है। मैं आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी जाऊं तो जब जिस किसी ने आपको इन्वाइट किया आप उनसे बात कर सकते हैं। इतने सारे ऑफर चलते हैं, इतने सारे प्रमोशंस चलते हैं कि आप हर हाल में एक स्मार्ट कंज्यूमर तो मोदी के प्रोडक्ट यूज करके बनते ही बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो प्रोडक्ट प्रोग्राम्स की खाली बात करूं तो एक है हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कहता है कि भैया अगर आप 1800 रुपए प्लस की परचेस करते हैं 6 महीने लगातार, तो 7वें महीने जितने भी आपने 6 महीने में प्रोडक्ट परचेस किया है उसका एवरेज निकाला जाएगा, और 7वें महीने उतने एवरेज का आपकी पसंद का प्रोडक्ट जो है वो आपको फ्री मिल जाएगा।
फिर अगले 6 महीने आपने किया तो 12 महीने हो गए, तो 13वें महीने फिर मिल जाएगा। और क्योंकि आपने 12 महीने लगातार कर लिया है तो फिर 13वें महीने और उतने ही एवरेज का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। यानी कि मैं बताऊं तो 3 महीने का प्रोडक्ट आपको, 12 महीने का प्रोडक्ट काम में लेने पर 3 महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत मिल जाता है। ऐसे ही हमारा एक रीपर्चेस प्रोग्राम चलता है। आप जैसे ही रीपर्चेस प्रोग्राम के तहत प्रोडक्ट परचेस करते हैं, अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं तो लगभग 100 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो आपको फ्री मिल जाता है। 2000 पे 200 का, 3000 पे 300 का, 5000 पे 500 का, और इसी तरीके से 1 रुपए में मिल जाते हैं ये सारे प्रोडक्ट। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चलते हैं। अभी एंड में हम आपको जो हमारा ग्रेटेस्ट प्रोग्राम है, जो कि आपको फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस पर डालता है, हम एंड में उस प्रोग्राम के बारे में भी बताने वाले हैं। तो होता यह है कि भैया आपको 100 रुपए की चीज अगर 50 रुपए में पड़ रही है, सेटिस्फेक्शन के गारंटी के साथ पड़ रही है, और साथ में दुकान बदलने पर आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आप पैसा कमा सकते हो, आप विदेश यात्रा जा सकते हो, तो डेफिनेटली एक अच्छी वाइबल अपॉर्चुनिटी जो है ये आपके लिए बन जाती है। आइए चलते हैं, इनकम कैसे होती है। मैं बहुत डिटेल में इनकम के लिए जाऊंगी, पर फिर भी एक बेसिक इनकम कैसे होती है, अपॉर्चुनिटी वर्क कैसे करती है, मैं जस्ट आपको डेफिनेटली समझाना चाहूंगी। हमारी अगली इनकम को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। अब एक बात बताइए, एक छोटी सी आपसे बात पूछती हूँ। आप लोग, आपके घर में अभी तक, अगर मैं खाली आपकी और आपके मम्मी पापा वाली पीढ़ी की बात करूं, तो कितने रुपए की चाय की पत्ती काम में ले चुके होंगे अभी तक? पिछले 30-40 साल में कितने रुपए का टूथपेस्ट काम में लिया होगा, कितने का घी काम में लिया होगा, कितने का तेल काम में लिया होगा, कितने का आपने ये जो रोजमर्रा के घर में काम में आने वाले प्रोडक्ट है, क्या आपको कोई अंदाजा है कि आपने लाखों रुपए का प्रोडक्ट जो है काम में लिया है? किसी को नहीं अंदाजा, किसी दुकानदार ने भी हिसाब नहीं रखा है। पर मोदी केयर क्या करता है, आप जो कुछ भी अपने नंबर पर सामान खरीदते हो, मोदी केयर हर एक परचेज जो है वो जोड़ता चला जाता है, और आपकी परचेज के हिसाब से आपको आपकी परसेंटेज का चेक आता जाता है। अब ये बड़ी प्यारी सी चीज है, आप ये देखिए, अगर आपने एक भी, यानी 50 रुपए का भी आपने कोई मोदी केयर से सामान खरीद लिया ना, तो आप 7% पर आ जाते हो। आप 7% पर आ गए, आपको 7% का चेक, जितने रुपए का आपने, जितना आपने सामान लिया है, जो भी आप सामान लेते हैं उसको डीपी प्राइस बोलते हैं, और जो भी डीपी पे आप सामान लेते हो उस पर कोई ना कोई आपको पॉइंट्स मिलते हैं। 40-50-60% कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि लगभग ऑन एन एवरेज आपको मिलते हैं। आप जो भी सामान खरीदोगे, आपकी परचेस पर आपकी लाइफ लॉन्ग की परचेस ऐड होती चली जाती है और आपको उस पर चेक आता है ना ब्यूटी। जैसे जैसे आपकी परचेस बढ़ती जाएगी, यानी आपकी लॉयल्टी कंपनी की तरफ बढ़ती जाएगी, आपका चेक जो है उसकी परसेंटेज 7% से लेकर के 16% तक बढ़ता जाएगा। अब गुड न्यूज ये है कि ये परचेस खाली आपकी नहीं ऐड करती है कंपनी। मान लीजिए आप दिल्ली रहते हैं, आपने कलकत्ता के अपने चाचा को समझाया कि चाचा दुकान बदलते हैं, हम दुकानदार से हमारी क्या लॉयल्टी है, हम क्यों उसी दुकानदार से सामान खरीदें, वो एक दुकान से 4 दुकान बना रहा है, वो एक गाड़ी से 4 गाड़ी खरीद रहा है, अगर हमारे पास पैसा कमाने का तरीका है और चाचा दुकान बदलते हैं। आपने कलकत्ता के अपने चाचा को समझाया, चाचा को समझ में आया, कलकत्ता वाले चाचा ने फरीदाबाद में अपनी साली को समझाया, फरीदाबाद वाली साली ने कोटबेर में अपनी फ्रेंड को समझाया। अब ये जितने भी लोग ये समझदारी करते जाएंगे कि हाँ दुकान बदलेंगे, वो सब आपकी टीम में आएगा। कहीं ना कहीं वो सब नीचे 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 1000वें लेवल तक आपसे कनेक्टेड हैं, आपकी टीम में आते हैं, और जो पूरा आपका ग्रुप अपने घर में सामान, जो काम में लेने के लिए सामान खरीदता है ना, वो आपकी परचेज में ऐड हो जाता है, और वो सारी की सारी चीज मिलकर के आपकी परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, 7% से 16% तक जाते हो। अब पहली बात, आपको आपकी खुद की घर की परचेज पर चेक आ रहा था। दूसरी बात, मान लीजिए आपके कलकत्ता वाले चाचा हैं, वो मान लीजिए 7% पर हैं और आप आ गए 15% पर, तो 15-7 ये आपको जो 8% है, इसका आपको एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का चेक आपके घर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चाचा को आपने रिकमेंड किया था। अब चाचा ही नहीं, चाचा की पूरी टीम का बिजनेस जो है वो आपके बिजनेस में ऐड हो गया है, और जो भी परसेंटेज का डिफरेंस है वो परसेंटेज डिफरेंस जो है वो आपको मिल गया है। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी सिंपल सी बात और हमने आज तक समझी क्यों नहीं थी। ये मैजिकली वर्क करता है, आपकी परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, और जैसे ही आप 4000 पॉइंट्स करते हो पूरी टीम के साथ मिलकर के, 1 महीने में करो, 2 महीने में करो, 10 महीने में करो, पर जैसे ही आपके 4000 पॉइंट होते हैं, और एक जिस पर्टिकुलर मंथ में 4000 पॉइंट हुए, साथ में उस महीने 1100 पॉइंट्स आपके हुए, आप बन जाते हो डायरेक्टर। और हमारे यहाँ जो पहला माइलस्टोन होता है ना फ्रेंड्स, वो डायरेक्टर होता है। जैसे किसी कंपनी का डायरेक्टर होता है ना, आप अपनी खुद की कंपनी बनाओगे तो डायरेक्टर बनना चाहोगे, ऐसे ही जब आप वो 4000 पॉइंट्स कवर कर लेते हो, या 4000 पॉइंट्स प्लस 1100 पॉइंट उस महीने के कर लेते हो, आप डायरेक्टर बनते हो। और हमारे यहाँ डायरेक्टर्स इतने खुश होते हैं कि चलो एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। क्योंकि आपको बता दूं, जब आप प्लेन उड़ता है ना, तो टेक ऑफ में उसकी सारी मैक्सिमम एनर्जी लगती है, और फिर
पूरा रास्ता पार करना और लैंडिंग करना आसान होता है। हमारे यहाँ भी डायरेक्टर जो है वो हर किसी को टारगेट लेकर के चलना चाहिए कि इस बिजनेस में आना है, पहला काम ये करना है कि डायरेक्टर बनना है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम एंड में आपसे फिर से बात करने वाले हैं। अब आपको बताऊं, डायरेक्टर खुद बन गए, जैसे हमें मटर पनीर खुद बनाना आ गया तो हम किसी को मटर पनीर बनाना सिखा सकते हैं ना, बस वैसे ही पहले खुद डायरेक्टर बनना है, फिर लोगों को, पूरे सिस्टम आपको मदद करेगा, उस सिस्टम की मदद से लोगों को डायरेक्टर बनाना है। आप डायरेक्टर बनते हो, उसके बाद आप अपने नीचे एक डायरेक्टर बनाते हो, साइड का थोड़ा बिजनेस मेंटेन करते हो, आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो। दो डायरेक्टर बना लेते हो, दो डायरेक्टर लैग बना लेते हो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तीन डायरेक्टर लैग बना लेते हो तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चार बना लेते हो तो प्लेटिनम डायरेक्टर, छह बना लेते हो डायमंड डायरेक्टर। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 6, 8 आप 14 लैग बनाते हो और आप कंपनी के हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर लेवल पे चले जाते हो। 14 लोगों की जिंदगी बदल करके आप अपनी 14 पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकते हो। और हम नहीं बदलते किसी की जिंदगी, मैं ही नहीं कह सकती मैंने किसी की जिंदगी बदली है, हम सिर्फ माध्यम बनते हैं, हम लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। एक पूरा सिस्टम क्रिएटेड है, हम उस सिस्टम का पार्ट बनते हैं और जो बेसिक करने को कहा जाता है वो करते हैं। और सिर्फ 14 लोगों की जिंदगी बदल करके हम 14 पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकते हैं। और ये जितने भी आपको टिक दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग टाइप की इनकम है। देखिए, 4% का डायरेक्टर बोनस पूल है, 15% का टीम बोनस पूल है, 7% का बिल्डर बोनस पूल है, 2% का डायमंड बोनस पूल है, 2% का ट्रेवल फंड है, 5% का कार है, 3% का होम है। यानी खाली पैसा ही नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको गाड़ी भी मिलेगी, यहाँ से आपको फॉरेन ट्रिप घूमने का मौका भी मिलेगा, यहाँ से आपको घर भी मिलेगा। 17% का लीडरशिप, यानी हम लीडर बनने का ही तो काम है इस बिजनेस में, और लीडर बनने पर 17% का जो है वो है ना बोनस मिलता है। तो पैसे की कमी नहीं है, मैं इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि पैसा तो आएगा ही। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक बार सिस्टम में प्लग इन हो गए, तो पैसे की डेफिनेटली किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने वाली है। 1% का ईयरली फाउंडर बोनस पूल है जो कि आप इस बिजनेस से कमा सकते हो, बहुत सारा पैसा है। 72% बढ़ रहा है, अदर देन वो जो 30% मार्जिन है उसकी बात जो हम करें, उसके अलावा 72% बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग, यानी खाली पैसा ही नहीं है, पैसे के साथ साथ ड्रीम लाइफस्टाइल जो है वो आपको मिलती है। बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, फॉरेन जाते हो, लोकल इंडिया में घूमते हो, घर खरीदते हो, मालाएं मिलती है, मान सम्मान मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, दूसरों को सफलता देने में जब आप मदद करते हो, जब आप सिस्टम से प्लग इन होते हो, दूसरों को सिस्टम में प्लग इन करते हो, जब आपको थैंक यू बोलते हैं ना, उस थैंक यू का कोई मोल नहीं है। और ये सब खुद नहीं करना, सिस्टम क्रिएटेड है, सिर्फ उस सिस्टम में प्लग इन हो जाना है। वो एक स्मार्ट काम है जो हम आपको करना सिखाते हैं, आपको सिर्फ सबमिशन रख करके थोड़ा सा उसको फॉलो करना है जो हम आपको सिखाते हैं, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। तो सिंपल से क्वेश्चन हम लोगों से पूछते हैं कि भैया, इफ नॉट मोदी केयर देन वॉट, मतलब क्या गन लेकर के बैंक लूटने वाले हैं या कोई टाटा बिरला हमें गोद लेने वाले हैं? नहीं, सपने खुद के हैं तो खुद ही पूरे करने हैं। जब मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है, तो पाना तो बनता ही है ना। इफ नॉट यू देन हु? अब सपने आपके, बच्चे आपके हैं, उनके लिए आप नहीं करोगे तो कोई और तो नहीं करने वाला, तो मतलब खुद को ही करना है। और इफ नॉट नाउ देन व्हेन, मतलब भूख आज लगी है तो खाना अभी खाते हैं ना, वैसे ही सफलता की भूख अभी है तो सफलता के लिए काम भी अभी करेंगे ना। तो जब हम इन तीन सवालों को अपने आप से पूछते हैं तो सीधे से जवाब मिलता है, भैया मोदी केयर करना है, खुद को करना है, दिल लगा के करना है और आज करना है, अभी अभी करना है। जिस किसी ने आपको इस मीटिंग के लिए इन्वाइट किया उसको थैंक यू बोलना है और उसको अपने सपनों की लिस्ट देकर के आगे बढ़ जाना है। क्या करना है? शुरुआत करनी है। फ्रेंड्स, इट्स रियली अमेजिंग। आपको सिर्फ ये समझना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने अभी बहुत कम बताया आपको इस बिजनेस की स्ट्रेंथ, तो भी देखिए मैं जैसे ना रैप गाते हैं ना लोग, ऐसे सांस फूल गई है कि भैया हाँ इसकी खासियत बता बता करके बंदा थक जाए। बट कोशिश हमारी यही रहती है कि छोटे से प्रेजेंटेशन में हम आपके दिल को थोड़ा सा छू सकें, आपको थोड़ी सी हिम्मत दे सकें कि जो भी आपने अपने पेट के अंदर सपने दबा करके रखे हैं उन सपनों को पूरा करें। अब हम 2-3 काम आपके साथ करने वाले हैं। हमने इतनी सारी तारीफ करी मोदी केयर प्रोडक्ट की, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी की, तो हम दो तो आपको प्रोडक्ट डेमो दिखा रहे हैं। सिंपल से लोग हैं, आपको समझ में आएगा कि अरे ये कर सकते हैं, अरे ये कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। तो दो तो हम आपको डेमो दिखाएंगे, फिर हम आपको बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिलाएंगे, बहुत सारे मीन्स जितना टाइम परमिट करेगी। फिर हम आपको मोदी केयर प्रोडक्ट कैसे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, कैसे उनकी जिंदगी में लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं, और फिर आखिर में हम आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना है। तो आइए सबसे पहले जोरदार तालियों से हम बुलाना चाहेंगे नीलम भार्गव जी को। नीलम जी प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, नीलम भार्गव है
और मैंने पिछले साल ही जो है मोदी केयर को ज्वाइन किया था, और इसके वंडरफुल प्रोडक्ट्स को देखकर ही मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी मोदी केयर जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। तो जो डेमो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है हमारा वेल कैटेगरी का एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, क्योंकि पेट जो है उसकी सारी समस्या कीजिए एक रामबाण औषधि जो है वो है। तो ये है हमारा अमृत शक्ति। अब ये कैसे काम करता है और के मतलब क्या होने पर काम करता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कई बार होता है कि जैसे हम पार्टीज वगैरह में गए या कहीं शादी में जाते, बहुत कुछ खाने को होता है, तो मन करता है ये भी टेस्ट करें ये भी टेस्ट करें, और उस चक्कर में हम बहुत कुछ खा लेते हैं और हमारे पेट में जो है वो गैस भी हो जाती है, एसिडिटी भी होने लग जाती है। तो अब क्या करें, जैसे ही घर आते हैं तो हमें लगता है कुछ इनो लिया, उसको घोल के पी लिया। तो मोदी केयर ने हमारे लिए अमृत शक्ति जो है ये निकाला है, जो कि वास्तव में ही बहुत बढ़िया काम जो है करता है। विद इन सेकेंड जो है आपके शरीर में आपके पेट में जो भी एसिडिटी है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। तो इसको दिखाने के लिए मैंने अपने कप में एक पानी लिया है जो कि पेट का काम कर रहा है, और इसके अंदर मैं आयोडीन जो है वो डाल रही हूँ। अब ये आयोडीन जो है ये एक तरह से आप सोचेंगे एसिडिटी का काम जो है वो कर रही है। अब हमारा ये अमृत शक्ति काम कैसे करता है तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये हमारा कैप्सूल है जो एक जेलेटिन फॉर्म में आता है। अब इसकी कुछ ड्रॉप्स जो है वो मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। इसको मैंने पहले से ही पिंच कर लिया था, तो ये मैंने एक दो बूंद जो है इसके अंदर डाल दी और इसको मैं स्टर करूंगी। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो हमारा कैप्सूल जो है वो धीरे धीरे हमारे पेट की सफाई जो है वो करता जा रहा है। रंग देखेंगे इसका काफी जो है वो क्लियर जो है वो होने वाला है। अब इसके अंदर जो है एक तो कपूर है, अजवाइन है और पुदीने का सर जो है वो दिया गया है। अब ये सिर्फ जो है पेट को ही साफ नहीं करता, अगर तभी आपका सिर में दर्द है तो आप किसी भी तेल में इसकी दो ड्रॉप्स डालकर उससे सिर में लगा लें तो आपका सिर दर्द जो है वो एकदम ठीक हो जाएगा। और इसी तरह अगर कभी कफ एंड कोल्ड है तो आप उसमें भी स्टीम लेते हुए इसकी एक दो ड्रॉप्स डाल दें तो ये बिल्कुल जो है आपका कफ जो है वो बहुत अच्छे से निकाल देगा। तो ये मोदी केयर का जो ये प्रोडक्ट है ये बहुत ही बढ़िया है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसने काफी जो है वो उसको हमारे पेट में जो भी एसिडिटी थी उसको जो है वो दूर कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि घर में सबके घर में ये जो है जरूर से प्रोडक्ट जो होना चाहिए, अमृत शक्ति, जो कि पेट की सारी समस्याओं थैंक की यू, परफेक्ट रामबाण औषधि है। थैंक यू सो मच। परफेक्ट, वाओ 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 वाओ। भाभी, एक तो आप इतनी सिंपल हैं और दूसरा मैं आपको लगातार पर्सनली ग्रो करते हुए देख रही हूँ। आप पहले बोलती थी, थोड़ा झिझक झिझक के बोलती थी, आज इतनी शाइनिंग ब्राइट रॉक स्टार जैसा आपने है ना डेमोन्स्ट्रेशन किया है, और यही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है, क्योंकि हम पहले पर्सनली ग्रो करते हैं और फिर फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, पर दुनिया में बाहर हमें पर्सनली ग्रो करने का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। ये मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमें वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बस हमें उस प्लेटफॉर्म को यूज करना है, पर्सनली ग्रो करना है, फाइनेंशियली ग्रो करना है। बहुत ब्राइट आपका फ्यूचर है। आइए दोस्तों, अगले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सोनल जी को बुला रहे हैं, जो कि बहुत शॉर्ट में आपको अपना डेमो दिखाएंगे। सोनल जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। नाम सोनल है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। लॉकडाउन में मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया था। सिंपल सी हाउस वाइफ थी, बट मोदी केयर ने एक बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट कर दिया। आज हर एक सपनों को पूरा कर सकती हूँ, छोटे छोटे ड्रीम्स को फुलफिल कर रही हूँ। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ, फ्लैक्स ऑयल, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो होते हैं ये सॉफ्ट जेल्स में आपको प्रोवाइड होता है इस टाइप का, और ये दिन में हमें 3 लेने होते हैं। 3 इसलिए क्योंकि हम मिनिमम जो है 3 बार खाना खाते हैं, हम जो मील लेते हैं वो 3 बार लेते हैं, और आफ्टर मील हमें इसको लेना होता है। सॉफ्ट जेल टाइप होता है। ओमेगा 3 और 6 क्या होता है ना कि हमारी बॉडी अपने आप नहीं बनाती है, उसको हमें कहीं ना कहीं से इंटेक करना होता है, या तो हम सप्लीमेंट्स के थ्रू ले लें या फिर हम उसको किसी भी तरीके से हम उसको अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी अपने आप नहीं बनाती है, हमारे फैटी एसिड पे बहुत अच्छा काम करता है। एक ग्लास लिया है और ये मैं रिप्रेजेंट करूंगी, ये बेटाडीन है आपका, आयोडीन, जो कि क्योंकि हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर में भी वो सारी चीजें बैक्टीरियास बैक्टीरियास होती हैं। तो मैंने पानी के अंदर मिक्स किया, ये लाइक हमारा स्टमक है, और यहाँ पे एक जेल जो है मैं इसको सॉफ्ट जेल को पंचर करके इसमें डालूंगी। ये देखिए इस टाइप का होता है ये, इसको हमने पंचर किया। अब होता क्या है कि जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या फिर नॉर्मली फैटी एसिड हो या फिर लोगों को डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम हो, तो उन सारी चीजों में
ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है, और जितने भी गुड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में रीजनरेट करता है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हार्ट पेशेंट के लिए भी, और नॉर्मली अगर किसी को कोई डिजीज ना भी हो फिर भी हम अपने फ्लैक्स ऑयल को यूज कर सकते हैं। आफ्टर मील अगर हम लेते हैं तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जिस तरीके से आप मेडिसिन लेते हैं कुछ ना कुछ टाइम लेता है वो आपकी बॉडी में उस चीज को कवर करने के लिए, ठीक उसी तरीके से हमारा फ्लैक्स ऑयल भी कवर करेगा, बट थोड़ा सा एक आध सेकंड का एक आध मिनट का टाइम लेगा ये, बट आपको विजिबल हो रहा होगा कि धीरे धीरे से वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि आज की भाग दौड़ की जिंदगी है और यहाँ पे हम लोग कुछ भी खाते हैं, घर में ऑयली खाते हैं, बाहर हम कुछ भी खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इंटरनली चेक नहीं कर पाते अपनी बॉडी के अंदर में कि क्या है और क्या नहीं है। तो अगर हम अपने सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं तो उसकी सप्लीमेंट्स की वजह से हम इंटरनली भी अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू मैम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, अभी इसको कुछ सेकंड्स देंगे ये पानी बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगी कि ये सिंबॉलिक डेमो है, हम आपको अगर मोदी केयर के आगे आपको मौका मिलेगा प्रोडक्ट कार्निवल अटेंड करने का, हम मोदी केयर के प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना तो सुबह से लेकर के रात हो जाती है, इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन हमारे पास हैं। हम कभी कभी करते हैं जिसमें एक दिन में 1000 लोग, बल्कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कहना प्लान कर रहे हैं इस साल, जिसमें एक साथ 50,000 लोग जो है वो एक ही दिन में एक साथ मोदी केयर के प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होंगे। ये ताकत हमारे पास है। होता क्या है कि जब हम ये सिंबॉलिक डेमो करते हैं तो ये माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको एप्पल खाना है और आपके घर में आपके फ्रिज में सेब नहीं है तो क्या करना होगा, बाहर से लाना होगा और खाना होगा। हमें ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आती कि अगर आज कोई चीज है जो हमारी बॉडी नहीं बना रही है पर उसको जरूरत है तो हमें बाहर से ही ला करके खाना होगा। ये सिंपल सी बात आपके समझ में आए, आपके ब्रेन में रजिस्टर हो पाए, उसके लिए हम तरह तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन है जो आपको बहुत सिंपल लगेंगे, खास करके आपने अगर देखा हो हमने एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करी कि सिंपलिसिटी ऑफ दिस बिजनेस। ये दोनों सोनल जी नीलम जी दोनों बहुत सिंपल सी हाउसवाइफ हैं, पर दोनों को समझ में आया कि गिलास उठा के चम्मच हिला करके अगर पैसा कमाया जा सकता है तो ये काम हम करने को तैयार हैं। और यही काम करके लोग, अभी हम 4000 लोग थाईलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए इस महीने, अभी 20 तारीख से शुरू हो रहा है बैच, 600 लोगों का बैच जा रहा है, अगली 24 तारीख तक चलेगा, करीबन 4000 लोग थाईलैंड जा रहे हैं यही सिंपल सिंपल सा काम करके। तो रियली इट्स अमेजिंग। पर चलिए अब बात है आगे सफलता की, तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, बहुत ही डायनेमिक लीडर अमृता गुप्ता जी को। अमृता जी ओवर टू यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, और धन्यवाद देती हूँ मैम को कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने फीलिंग्स को शेयर करने का, अपनी जर्नी को बताने का। तो मैं अमृता गुप्ता पटना से, और मैं बचपन से ही बहुत बड़ी ड्रीमर रही हूँ, बड़े बड़े सपने देखती थी और जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरी शादी हो गई क्योंकि मैं फैमिली में सबसे बड़ी थी, और चूंकि हस्बैंड भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे तो मुझे फॉरेन ट्रिप्स का बहुत शौक था, तो मुझे हमेशा लगता था कि विदेश घूमूं फ्री में जाऊं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सर ने वो पहले कंपनी छोड़ दी, फिर वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद बिजनेस में आगे बढ़ते गए, पैसा तो बहुत कमाया लेकिन लाइफ में वो चीजें नहीं मिल पा रही थी जो हम पाना चाहते थे। पैसे तो थे लेकिन समय नहीं था घूमने का, और मैं अपनी पहचान बनाने के लिए भी परेशान थी, लेकिन मुझे 9 to 5 की जॉब नहीं करनी थी। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि मैं घर पे रहूं, अपने फैमिली अपने बच्चों को देखूं, तो मुझे मेरे मन में भी एक टीस थी। लेकिन तभी हमारी जिंदगी में मोदी केयर आया। जब हमें मोदी केयर के बारे में पता चला, हमने प्रोडक्ट्स यूज किए, प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे। तो प्रोडक्ट्स, जब आप कुछ अच्छी चीज यूज करते हैं, अच्छी चीज जब आपको मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाता है कि आप एक अच्छी चीज के साथ है, एक अच्छी कंपनी के साथ है। हमने बिजनेस को तो बाद में समझा, बाद में सर ने बिजनेस को देखा समझा, उन्हें लगा कि बहुत पोटेंशियल है, और मैं फॉरेन ट्रिप्स मुझे अच्छे लगते थे तो मैंने भी इस बिजनेस को फॉरेन ट्रिप के लिए किया। इस बिजनेस से हमने फॉरेन ट्रिप अचीव किया। एक फॉरेन ट्रिप के लिए मैं तरसती थी। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो हम अपने साथ 50 लोगों के साथ मैंने पहला ट्रिप अचीव किया, कई देशों की यात्राएं की। लेकिन एक ऐसी चीज कि जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम इस बिजनेस से क्या पा सकते हैं। हमने एक छोटा सा रीजन था कि फॉरेन ट्रिप करना है, इसके लिए इस बिजनेस को किया, लेकिन आज इस बिजनेस से हम साल का 1.5 करोड़ की इनकम ले रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं,
इतना मान सम्मान मिल रहा है, मुझे 9 to 5 की जॉब नहीं करनी पड़ रही है, मैं अपने फैमिली और बच्चों को देखते हुए इस बिजनेस से लाखों रुपए महीने का बना रही हूँ और लाइफ को इंजॉय कर रही हूँ। और जो सबसे अच्छी चीज है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया कि दूसरों की जिंदगी बदलो, दूसरों के सपने पूरे करो। बचपन से मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी, मैंने अपने सपने पूरे किए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप दूसरों के सपने पूरे कैसे करते हैं। और मोदी केयर ने हमें ये मौका दिया, थैंक्स टू समीर सर जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने जो सपने देखती हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पैसे की, एज की, क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ सपनों की। जी हाँ, इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितने बड़े सपने देखती हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जो प्लेटफॉर्म हमें समीर सर ने दिया है, दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आज मैं खुद सफल हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे साथ कई महिलाएं हमारे बिजनेस में है। कोविड में भी ऐसा टाइम आया था जब मैं अपनी टीम की बात करूं तो हमारी टीम में कई ऐसी महिलाएं थी जिनके चेक्स रेगुलर आ रहे थे, लेकिन उनके घर में उनके हस्बैंड की जो जॉब नहीं थी, उनके चेक नहीं आ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है इस बिजनेस की, बहुत बड़ा पावर है कि इस बिजनेस ने उस परिस्थिति में भी लोगों को संभाले रखा, हमारी टीम में महिलाओं ने इनकम जनरेट की। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब सिर्फ मोदी केयर में हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ। और थैंक्स टू गॉड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमने अपने अपलाइन पे भरोसा किया, विश्वास किया, हमने मीन मेथी नहीं निकाली, हमने चीजों को, बातों का बतंगड़ नहीं बनाया, दिमाग नहीं लगाया कि खुरपेच नहीं थे हम, हमें जो चीज मिला हमने उसे अपनाया, प्रोडक्ट्स को यूज किया, बिजनेस को सीखा और आज इस मुकाम पे है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं, एक बार दिल लगाइए, ये बिजनेस दिल का बिजनेस है, और अगर आप इसे दिल से करेंगे तो आप जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, और वो सब कुछ जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। माय गॉड, सारे रोए खड़े हो गए मेरे। थैंक यू अमृता जी, कितनी सिंपल यट कितनी डायनामिक है आप, और मतलब आपकी स्टोरी पता है क्या सिखाती है कि कोई भी एक सपना हो उस सपने को पकड़ करके रखो। आपको फॉरेन ट्रिप जाना था, आपको विदेश की यात्राएं करनी थी। मुझे याद है जब मैंने अनूप जी की स्टोरी पहली बार सुनी थी, ऐसा नहीं है मतलब अच्छे लाइफ में सेटल थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, ना अच्छा बिजनेस कर रहे थे, बट बस उन्होंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो अपने आप से वादा किया कि 100 दिन दिन रात काम करूंगा और 100 दिन में 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा। और ये आप दोनों ने करके दिखाया, आप दोनों एक दूसरे की ताकत हैं, बहुत बड़ी ताकत मोदी केयर की आप हैं। आज की हमारी स्टार स्टोरी अमृता गुप्ता जी को हम तहे दिल से नमन करते हैं, जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहेंगे। और दोस्तों, अगर ये कर सकती हैं तो सचमुच कोई भी कर सकता है। ठानने वाली बात है, 100 दिन में 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा का फैसला बहुत बड़ी चीज थी। लोग डरते हैं, सोचते हैं संभव ही नहीं होगा, इन्होंने वो करके दिखाया। आइए चलिए कुछ और सक्सेसफुल लोगों से आपको मिलाते हैं। अगले हम बुलाना चाह रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर विशाल अग्रवाल जी को। विशाल जी, 1 मिनट में अपना टेस्टिमोनियल प्लीज शेयर कीजिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग सुरेखा मैम एंड टू ऑल लीडर्स। दोस्तों, नाम विशाल अग्रवाल है, पटना बिहार से हूँ और सेल्फ एम्प्लॉयड था। दोस्तों, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता था, बट कहते हैं ना कि समय घूमता है और अच्छा बुरा सब देखने को इसी जिंदगी में मिलता है। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारी लाइफ में बुरा समय आया, हमारी वाइफ को जॉब करना पड़ा, मुझे भी काम के लिए फिर दूसरा लाइन अपनी चेंज करनी पड़ी। बट इसी बीच में, चूंकि भगवान पर आस्था थी, खुद पर विश्वास था, नियत साफ थी, तो हमें भगवान के द्वारा भेजे गए दूत के रूप में उत्तम प्रकाश गुप्ता सर मिले। उन्होंने हमें मोदी केयर बताया दोस्तों, और आज लाइफ बिल्कुल लाइफ ऑफ सर्वाइवल से लाइफ ऑफ सक्सेस की ओर आ चुके हैं। ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, लगभग महीने का अप्रॉक्स 2 लाख बनाते हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है, इससे बड़ी बात है दोस्तों कि पूरे टीम में लगभग 5 गाड़ियां आ चुकी हैं। हम विदेश यात्रा कर चुके हैं, इससे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे टीम में लोग नेशनल टूर फॉरेन ट्रिप्स वगैरह कर रहे हैं। और सफलता दोस्तों, ये तो अभी झांकी है, कहानी अभी बाकी है दोस्तों। मोदी केयर के साथ हम बिल्कुल सपनों की ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच मैम। फैंटास्टिक, वाओ, गागर में सागर भर दिया आपने। बहुत बहुत विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जोरदार ताली आपके लिए बजाना चाहेंगे। कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी। Yes, कहा जाता है कि भैया बिहार में लिटरेसी लेट है ना, मतलब थोड़ा पढ़ाई लिखाई का कमजोर है, सब है, पर बिहार इतना तेजी से इतनी तरक्की कर रहा है,
मोदी केयर में, और वो इस बात को प्रूव करता है कि एजुकेशन हमारे यहाँ जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ वो जज्बा जरूरी है कि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और जैसा आपने ठीक कहा कि लाइफ ऑफ सर्वाइवल से लाइफ ऑफ सक्सेस तक आना, फिर लाइफ ऑफ सक्सेस से लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस तक जाना, जो वो इरादा बना लेता है वो कुछ भी कर जाता है, बहुत आगे जाएंगे, 2 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 2 करोड़, यही आप आगे बढ़ते चले जाए, ये हमारे शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए दोस्तों, अब आपको मिलाते हैं मेकअप आर्टिस्ट से, अल्पना जी से। जोरदार तालियां अल्पना जी के लिए बजाते हुए उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ दोस्तों, नाम अल्पना, देवघर की रहने वाली हूँ, और इस बिजनेस को मैंने शुरुआत करा था 2018 में। कहीं मैं 3000 की एक प्राइमरी स्कूल की टीचर हुआ करती थी और ईगो हमारे 3 लाख के हुए करते थे। हमारे जीवन में हमारे मेंटोर आए जिन्होंने हमारी जिंदगी बदली और इस मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना। कहीं मैं 8 से 9 घंटे खट रही थी और ग्रोथ उस कंपनी की हो रही थी और हाथ में मुझे मात्र 3 से 5 हजार आ रहे थे। तब एक लाइफ सर्कल ऐसा डाउन हुआ जहां मुझे एहसास हुआ, हमारे अप्लाई ने हमें एहसास दिलाया कि तुम किसके लिए काम कर रही हो, ग्रोथ तो किसी और का हो रहा है, तुम डिग्रोथ में जा रही हो। उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया, एक दिन डिसीजन, और आज मेरी जिंदगी बदल गई। जी हाँ, अगर अचीविंग की बात करूं तो 2 विदेश यात्रा कर लिया है मैंने, 7 लाख की कार ले लिया है, बाइक लिया है, अपने इस मोदी केयर बिजनेस से ही अचीव किया है। बहुत सारे छोटे बड़े सपने हैं जो पूरे किए, और आज मैं अपने 2 बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत बड़ी बात है कि ये प्लेटफॉर्म हम महिलाओं के लिए, जहां मैं छोटी से सम्मान के लिए तरसती थी, आज एक पहचान बन चुकी है। थैंक यू सो मच समीर सर, एंड थैंक यू सो मच अनूप सर, एंड सुरेखा, डॉक्टर सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक दोस्तों, आप बहुत सारी ऐप है आजकल मेकअप आर्टिस्ट जहां से आप बुला सकते हैं। आप बुला करके देखिए, आप 200 लोगों को अगर बुलाएंगे ना तो 200 में से 190 लोग अपनी स्कूटी पर आते हैं, और ये मेकअप आर्टिस्ट पार्ट टाइम में मोदी केयर करके अपनी 7 लाख रुपए की कार खरीद चुकी हैं। ये सचमुच अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। टीचर्स आपको मिलेंगे जो कि सारी जिंदगी बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और अपने बच्चों की को पढ़ाने का उनके पास टाइम नहीं होता है। आज वो टीचर जो कि मतलब पहले बच्चों को पढ़ाती थी, अब बड़ों को पढ़ाती हैं कैसे सफलता पाई जाए, और उनको भी सफल बना रही हैं और खुद भी सफल बन रही हैं। ये है हमारे यहाँ की एक टीचर एंड मेकअप आर्टिस्ट की कहानी। जोरदार तालियां अल्पना जी के लिए बजाना चाहेंगे। और अब हम हमारी आज की अगली सक्सेस स्टोरी बुलाना चाहेंगे जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं, श्याम बाबू जी। जोरदार तालियां श्याम बाबू जी के लिए बजाना चाहेंगे। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मैम, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट करने के लिए। और उसके बाद अमृता गुप्ता मैम एंड अनूप गुप्ता सर का बहुत बहुत थैंक्स करेंगे कि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें हाथ में दिया। क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं 18,000 रुपया के प्राइवेट जॉब किया करता था, लाइफ बहुत स्ट्रगल फ्रूट था, मैं कहीं और, परिवार हमारा कहीं और, इतना कष्ट था कि अकेले रह के सही से ना खाना खा पाना, कहीं घर जाना होता था तो बहुत दिक्कत से छुट्टी मिलता था। और आज 4 साल बाद स्थिति ये है कि हम अपना लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी अपना पैसा का खरीद चुके हैं, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था हमने कि हमारे लाइफ में हम अपने पैसे का कार खरीद पाएंगे, हम अच्छे घर में रह पाएंगे, ये सारा कुछ मिल पा रहा है। बस रीजन ये की है कि सही समय पे हमने सही डिसीजन लिया और सही कंपनी के साथ हम आ गए, वो है मोदी केयर। तो थैंक यू सुरेखा मैम, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच हमारे अमृता मैम एंड अनूप सर को, थैंक यू वेरी मच। वाओ,